गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई नेम इज विजय सिंह आई एम असिस्टेंट टीचर इन विक्टोर इंटरनेशनल स्कूल लेट्स आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर नाव टू डे टॉपिक इज रॉल टैक्ट बच्चों आज हम रॉल टैक्ट के बारे में बात करेंगे इन दर्स नाइनटीन नाइनटीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रॉल टैक्ट उन्नीस में जो है अंग्रेजी सरकार ने रॉल टैक्ट को पास किया ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द ब्रिटिश कुड इम्प्रेजेंस एनी वन विदाउट एनी ट्रायल्स इन कोर्ट इन ए कोर्ट पीपल्स कुड बी अरेस्टेड इवन एक ऑन ग्राउंड ऑफ सस्पेक्शन ठीक है स्ट्रीट एक्स स्ट्रिक्ट एक्शन वॉज टेकिंग अगेंस्ट एनी वन हु प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है तो रोल टेक्ट बच्चों एक इस तरह का कानून था जिस जिसमें जिसके अंदर जो है आ, किसी भी किसी भी क्रांतिकारी को जो है बिना किसी कोर्ट ट्रायल के यानी कि उसे बिना कोर्ट में पेश किए या बिना कोई वारंट निकाले उसे सीधे ही अरेस्ट किया जा सकता था ठीक है वो व्यक्ति वह आंदोलनकारी जो सरकार के बनाए नियमों को नहीं मानता था उसको जो है बिना किसी वारंट के बिना किसी पूर्व सूचना के या फिर बिना कोर्ट के आदेश के सीधे ही अरेस्ट करके जेल में डाला जा सकता था और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ करती थी ठीक है तो ये इस तरह का कानून था कोर्ट में भी उसको ले जाया नहीं जाता था कि जो है जज के सामने पेश करना या कुछ ऐसा कुछ नहीं करना था सीधे जेल में डाल दिया जाता था द इंडियंस वर ग्रेटली एंगर्ड विद दिस एक्ट एज इट टूक अवे देयर फ्रीडम्स इवन टू प्रोटेस्ट ठीक है तो भारतीयों में इस कानून के प्रति बहुत गुस्सा था वो इससे डिसएग्री करते थे कि नहीं जो है हमको ये कानून नहीं चाहिए क्योंकि क्योंकि इस कानून से क्या होता था इस कानून से जो उनकी प्रोटेस्ट करने की फ्रीडम थी उसको उसको नुकसान पहुँचा था उसे खतरा था ठीक है ये हमारा अधिकार है अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो हम उसके उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हैं ठीक है लेकिन इस कानून के आ जाने के बाद आंदोलनकारी ऐसा नहीं कर पा रहे थे तो इस कानून की वजह से पूरे सम भारतीय समाज में जो है बहुत गुस्सा था ठीक है जलिया वाला बाग मैसे ग्रे ठीक है आज हम जलिया वाले बाग के हत्याकांड के बारे में बत, पढ़ेंगे ठीक है देयर वर प्रोटेस्ट अ, अ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द सम ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड तो ये एक तरह का प्रोटेस्ट था एक तरह का आ, जो है विरोध प्रदर्शन था सरकार की नीतियों के खिलाफ तो कुछ लीडर्स जो है इसमें अरेस्ट हुए थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था ऑन थर्टीन अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस थर्टीन अप्रैल नाइन्टीन नाइन्टी नाइन द बैसाखी डे हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पंजाब में बैसाखी एक त्यौहार होता है फसली त्यौहार होता है जिस पर जो है कुछ लोग इकट्ठा हुए थे पब्लिक मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द जलियाँ वाला बाग एट अमृतसर इन पंजाब जलिया वाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर में शहर में स्थित है तो वहाँ पर जो है लोग वैसाखी के दिन इकट्ठे हुए थे कि आज चलो पार्क में बैठेंगे और बातचीत करेंगे किसी विषय पर ठीक है और बहुत सारे लोग थे हंड्रेड ऑफ मेंस सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद थे वुमेंस एंड चिल्ड्रंस बच्चे और महिलाएँ गैदर्ड गड फॉर द प्रोटेस्ट मीटिंग अगेंस्ट द रोल टैक्ट और रोल टैक्ट के विषय में ही वो लोग बात करने के लिए वहाँ जमा हुए थे कि एक ऐसा कानून आया है जिसमें किसी को भी बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है तो इस तरह की कई चर्चाओं के लिए वो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे द पार्क हैड ए हाई वॉल जो पार्क था उसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं एंड ओनली वन एग्जिट विदाउट गिविंग द क्राउड एनी वार्निंग ठीक है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर द पुलिस ब्लॉकड द एग्जिट एंड बिगेन टू द फायर एट अन आर्म्ड गैदरिंग ऑफ पीपल्स ठीक है तो ये जो पार्क था इसकी दीवारें बहुत ऊंची थी और इसका निकलने और आने जाने का मतलब रास्ता एक ही था तो जनरल डायर के आदेश पर वो रास्ता बंद कर दिया गया और अंदर जो है जो अंग्रेजी सिपाही थे वो अंदर आ गए और उन्होंने क्या काम किया निहत् और निर्दोष लोगों पर उन्होंने जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दे दिया और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए ठीक है जो रास्ता था वो बंद कर दिया गया था सेना अंदर आ गई थी और जनरल डायर के आदेश पर जो है गोलियां चला दी गई थी ठीक है तो आप, आप कल्पना कर सकते हैं कैसा दृश्य रहा होगा जो है द फायरिंग फायरिंग कंटिन्यू कंटिन्यू फॉर अबाउट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स तो ये ये जो गोलीबारी की गई थी ये लगभग दस से पंद्रह मिनट की गई थी सैकड़ों सिपाही आए थे जिन्होंने एक साथ गोली चलाई थी आप समझो दस पंद्रह मिनट गोली चली होगी तो कितने लोग मारे गए होंगे एंड इट स्टॉप्ड ओनली आफ्टर दमुनसन वाज एग्जॉस्टिड ए नंबर ऑफ पीपल्स डाइड इन स्टाम्प स्टाम्प्ड एट ए गेट्स और बाई जम्प इन टू द ओनली वेल्थ वेल्स ऑन ए कंपाउंड टू एस्केप द शूटिंग तो बहुत से लोग थे जब आप जानते हैं जब गोलीबारी हुई तो भगदड़ मच गई भगदड़ मचने से बहुत से लोग क्या था जो गेट की तरफ को भागे और नैरो नैरो गेट होने के कारण जो वो रास्ता था वो बहुत संकीर्ण था जिसमें एक दूसरे के ऊपर जो है भीड़ एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़ रही थी या कुछ लोग ऐसे भी मारे गए और कुछ लोग ऐसे थे जो गोली से बचने के लिए उस जलिया वाले बाग में एक कुआ था जिसमें जिसमें उन्होंने उन्होंने जो गोली से बचने के लिए जंप लगा दी तो वो उस किस कारण भी बहुत से लोग मारे गए ठीक है कुएँ में कूदने कुए की वजह से ठीक है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट्स थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन पीपल्स वर किल्ड अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो तीन जो है उन्यासी उन्यासी लोग जो है मारे गए थे एंड वन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सेवन बाउंडेड इन द इन द उसमें एक हजार एक सौ सैंतीस लोगों को बंधक बना लिया गया था द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स इज नॉन नॉन एज जलियावाला वाला uh, मास्क्रेस ठीक है मास्के इसको जो है जलिया वाला हत्याकांड जलिया वाला जो है हत्याकांड या फिर इसे अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं ठीक है द होल कंट्री वाज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंस पूरा देश जो है हतप्रद रह गया था इस इस घटनाक्रम से उन्होंने वो ये सोचे थे कि देख किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अंग्रेजी सरकार ऐसा भी कुछ कर सकती है ठीक है तो ये हैरानी की बात थी कि सरकार के लोग ने गोली चलवाई लोगों के ऊपर तो ये देयर वाज सॉरी देयर वर प्रोटेस्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री और इस इसके आ, इस घटनाक्रम के विरोध के लिए पूरे आ, पूरे भारत में पूरे देश में जो है विरोध प्रदर्शन हुए दिस वाज ए टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट्स तो ये जो है एक आ, टर्निंग पॉइंट साबित हुई ये घटना जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में के इतिहास में ये घटना जो है एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई द रोल टैक्ट वाज विदड्रॉन बाय द ब्रिटिश तो इसके बाद जो है इस घटनाक्रम के बाद सरकार को रोल टैक्ट वापस लेना पड़ा ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताएंगे तब तक तो के लिए थैंक यू